ప్రారంభించాం.
ఈ భాషని మనం మాట్లాడుతున్నాం కానీ మనం ఈ ఏ విధంగా వచ్చి ఈ విధంగా రావడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వ్యక్తులు లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళు ఈ భాషను ప్రచురంలోకి తెచ్చినందుకు ఈ భాష రూపంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు జీవిస్తూనే ఉంటారని చెప్పొచ్చు. పండితులే ఆ రోజుల్లో లేకపోయినప్పటికీ ఈ భాషను గుర్తించడం అనేది చాలా కష్టం ఉంటుంది. పండితులు మరియు ఎవరైతే పండితులు కవిత్వాలు రాసేవారు కథలు ఉంటారో వాళ్ళ పద్యాల ద్వారా పాటల ద్వారా ఈ సాంస్కృతి జాతీయాలను ఉపయోగించి ఈ పదాలను ఉపయోగించడం వల్ల తెలుగు భాష అనేది వెలువడింది. థ్యాంక్ యూ. बात करने का हंसी का तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा. इस शेर के साथ मैं सैयद नजीर को दावत देती हूँ कि वो अशआर पेश करे. वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए. सलीके से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं. उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार. उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार. छोड़ो भी रट्टा यार, टिंकल टिंकल शहद व शक्कर से शीरी उर्दू जुबान हमारी, होती है जिसके बोले मीठी जुबान हमारी. वो बोलता है निगाहों से इस कदर उर्दू, खामोश रह के भी अहले जुबान सरकता. करते तो आज हम यहाँ पर योम आलमी उर्दू मनाने के लिए जमा हुए हैं. तो इस मौके पर मैं कुछ अशआर और कुछ बातें कहना चाहूँगी. उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी जबान है जिसे हम किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज से नहीं सीखते बल्कि अपनी माँ से सीखते हैं. तो नहीं खेल ऐदा यारों से कह दो, नहीं खेल ऐदा यारों से कह दो, ये आती है उर्दू जबान आते आते. इसी तरह उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं, वो सारे जहां में तू हमारी जबान की है. उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मजीब है जिसको उर्दू जबान आए. तो इसी तरह से बहुत बड़े शार्ट है. उर्दू जबान एक बहुत ही मुकद्दस जबान है जिसे हम अपनी माँ से सीखते हैं और जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं इस्तेमाल करते हैं. तो आजकल इंग्लिश के मतलब इंग्लिश के इस्तेमाल ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हम उर्दू को कम बोलते हैं. तो ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि उर्दू को मतलब इंग्लिश भी बोले लेकिन साथ ही साथ उर्दू को भी अपनी जिंदगी में लाए. इसी तरह मेरे पास शेर है. डॉक्टर अगला मैडम इन में दवा देती हूँ कि वो अपने पैरा कैसा करें. रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और मेरे कॉलीग्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सलाम है सर. अस्सलाम वालेकुम, मैं भूल गई थी, फिर से अस्सलाम वालेकुम.
आज का टॉपिक सुनते ही मेरा दिल थोड़ा सा गमगीन हो गया कि हम हमारी मातृ लैंग्वेज को छोड़ते हुए जा रहे हैं। मातृ लैंग्वेज का मतलब यही नहीं है कि हमारी उर्दू हो या तेलुगु हो, इंग्लिश हो, व्हाटएवर। मातृ लैंग्वेज यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो हम पैदा होने से पहले से सुनते हैं। तो मैं आपको बीइंग ए साइंस लेक्चरर मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा पैदा होने से पहले किस वक्त अपनी माँ को सुनना शुरू करता है, मदर टंग को सुनना शुरू करता है। तो जब प्रेगनेंसी का 7th वीक होता है उस वक्त बच्चे के कान और जो उसके रिलेटेड ऑर्गन से सारे के अंदरूनी कान वगैरह 7 हफ्ते में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही 20वां हफ्ता या फिर 24वां हफ्ता आता है बच्चा रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। इसी दौरान 16वें हफ्ते में बच्चा जब भी मादरी जबान को सुनता है सिग्नल देना शुरू करता है। जैसे ही कान में आवाज पड़ी उसके सिग्नल सीधा ब्रेन तक जाएंगे और वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। आप क्या जानते हैं कि मातृ जबान अहम क्यों है? ये बच्चा का ठीक है, बच्चा का तो डेवलपमेंट हो रहा, मातृ जबान सुन रहा, लेकिन उसके बाद क्या? मातृ लैंग्वेज मदर लैंग्वेज इसलिए भी जरूरी है कि जब बच्चा दुनिया में आएगा आते ही सबसे पहले किसकी आवाज महसूस करेगा, किसकी आवाज को रिस्पॉन्ड करेगा? माँ की आवाज को। उसी तरीके से जो 2 दिन का बच्चा होता है वो अपने फादर की लैंग्वेज को भी, फादर जो भी बोलेंगे उसको भी रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अनलेस एंटी अगर कोई फादर अपने फादर और मदर में थोड़ी सी डिस्टेंस प्लेस पे रहते हैं, कभी कभार साथ रहते हैं, तो ये अलग बात है कि वो 3-4 महीने के बाद अपने फादर को रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर फादर अपनी वाइफ के साथ हमेशा के लिए मौजूद है तो सिर्फ 2 दिन का बच्चा भी अपने फादर की आवाज पहचान सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था जिसमें जो प्रीमेच्योर बेबीज है यानी कि जो अपने वक्त जो डिलीवरी टाइम से पहले पैदा हो गए थे यानी कि 28 हफ्ते या फिर 32 हफ्तों तक पैदा हो गए थे उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। जो 2 ग्रुप में तकसीम किया गया, एक ग्रुप को मदर उनके जो मदर की आवाज रिकॉर्ड करके सुनाई जा रही थी और दूसरों को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। ट्रीटमेंट इनका भी चल रहा था इनका भी, लेकिन साथ में इनको मदर की जो आवाज थी वो सुनाई जा रही थी। तो साइंटिस्ट ने यह महसूस किया कि जो बच्चे माँ की आवाज सुनते जा रहे हैं उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू होने के बावजूद उनका डेवलपमेंट तेजी से हो रहा था, उनके ब्रेन आसानी से रिस्पॉन्ड कर रहा था बनिस्बत जो खाली ट्रीटमेंट पे थे। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मातृ जबान की अहमियत क्या है। इसके अलावा मातृ जबान की अहमियत ये है कि बच्चा आसानी से बात को समझ सकता। मातृ जबान में अगर हम समझाएंगे तो आसानी से शायद आप लोग भी महसूस कर सक रहे हैं अगर उर्दू में मैं कुछ बोलूंगी क्योंकि आपकी मातृ जबान उर्दू है, आप आसानी से समझ सकें। इसके अलावा जो हमारा कल्चर है उसको बनाए रखने के लिए भी मातृ लैंग्वेज जरूरी है। इसके अलावा बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी मदर टंग जरूरी है। एक और बात के साथ मैं यही अपनी बात को खत्म करूंगी। एक बार सोचिए कि जो बच्चा बचपन यानी कि पैदा होने से पहले एक उर्दू लैंग्वेज सुन रहा है या फिर व्हाटएवर उसकी मदर टंग है उसको सुनते हुए आ रहा, सुनने के बाद अचानक पैदा होते ही उसको ऐसी जगह शिफ्ट किया गया जहाँ पर उसकी लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्या बच्चे का डेवलपमेंट आसानी से होगा? नहीं। तो इसके लिए बीइंग मैं भी मदर हूँ, आप अपकमिंग मदर्स हैं, जो भी मदर्स हैं उनके लिए सिंपल सा सजेशन ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप जो इख्तियार करेंगे यानी कि अगर बुक्स पढ़ रहे थे वही आदतें बच्चों में आएंगे, वही सुनने की सलाहियत मौजूद रहेगी। तो आप मदर टंग अगर उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता, हर चीज को समझने के काबिल नहीं होता, उसको अपनी मदर टंग में ही उसको सिखाना चाहिए। ये नहीं क्या मैं मदर टंग मेरी उर्दू थी मैं बच्चे को हमेशा मैं इंग्लिश में बात करूंगी बोले तो आपका बच्चा बिल्कुल नहीं समझ सकता, क्योंकि पैदा इससे पहले क्या सुन रहा था वो उर्दू सुन रहा था। इसके लिए जब तक वो बच्चा इस काबिल नहीं हो जाता कि ये अलग लैंग्वेज है ये अलग लैंग्वेज है, जब तक आप उसको अपनी मदर टंग में समझाने की कोशिश की। एक केस भी सुनी थी मैं, संगरेटी की एक लड़की थी, प्रेगनेंसी के थ्रू आउट इंडिया में थे लेकिन उनका जॉब होने की वजह से आहिस्ता से वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। बच्चे के डेवलपमेंट में इतनी परेशानी हो गई बच्चा 4 साल तक बात नहीं कर सका, जैसे ही 4 साल हो गया उनकी जॉब का टेन्योर खत्म हो गया फिर से इंडिया वापस आए। अब सोचिए बच्चे का क्या हाल होगा, ना बच्चा इंग्लिश सीख सका ना उसकी मदर टंग जो उर्दू थी वो भी सीख सका। इसके लिए बच्चों के जो जहनी उनका जो डेवलपमेंट है उसको बरकरार रखने के लिए मदर टंग मेंटेन करिए जो भी आपकी लैंग्वेज है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैडम साइंस के पास।
मादरी जबान का ताल्लुक कब से है? बच्चे की पैदाइश से पहले से ही है। मैडम ने बहुत अच्छे अंदाज से इसको आप सबके सामने पेश किया है। తెలుగు మాట్లాడితే చురుకనగా రాసే చిన్న చూపు ప్రస్తుతం నేను స్కూల్ తిరిగినప్పుడు పిల్లల ప్రోగ్రాంలో అన్న తెలుగు మాట్లాడవా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడవా అని నాకు అడిగారు. ఏంది రా తెలుగు మీడియం కదా మీరు అందరూ అంటే లేదన్నా ఇంగ్లీష్ చెప్పు అర్థమవుతుంది అంటు. అందుకని నేను ఒకటే చెప్తామంటే తెలుగుని మర్చిపోకుండా ఇంగ్లీష్ను రెండింటిని మేనేజ్ చేసి మంచిగా ఉండాలి. తెలుగును రాంగరంగా ముందు ముందు ఏమంటారు ఏ తెలుగు భాష ఒకటి ఉండేప్ప అందరు మాట్లాడుతున్నా కూడా అని ఫీలింగ్ రాకుండా చేయాలని ఒకటే వరకు. వెస్ట్ బెంగాల్ తూర్పు బెంగాల్ వరకు చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా యునెస్కో వాళ్ళు
వాళ్ళు దీన్ని గుర్తించి 1999లో అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవాన్ని ఫిబ్రవరి 21 నాడు ప్రకటించడం జరిగింది. దాన్ని 2000 సంవత్సరంలో ఇది దాని ప్రధానమైన ఉద్దేశం. ఇక నేను సైలెన్స్ గా ఉంటేనే మంచిగా ఉంది. ఎందులో చెప్పానా అయితే మాతృభాష ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, అంటే దీనికి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రపంచంలో అనేక చిన్నా చిక్కా భాషలు అన్ని ఉన్నాయి, ఆ సంస్కృతి అంతా పరిరక్షించాలి. మనమంతా కూడా మన దేవుడి ప్రసారం అవుతుంది మనం మాట్లాడే భాష ద్వారా. మన మాతృభాష ముక్కు పాలతోనే, మేడం చెప్పారు ముక్కు పాలతోనే మనకు భాష మొదలవుతుంది. కాబట్టి మాతృభాషలో ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాడో మిగతా ఏ భాషలైనా నేర్చుకోగలుగుతాడు. ముందు మాతృభాషలో పట్టు సాధించాలి. ఇక మేడం చెప్పారు బిడ్డ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే భాషను వింటుంది అని, అది నిజం. ఈ రోజు తెలిసిన సైంటిస్టులు కాదు, మన ఇతిహాసాలు రెండు ఉన్నాయి భారతదేశానికి, రామాయణము మహాభారతం. మహాభారతంలో శ్రీకృష్ణుడు చెల్లెలైనటువంటి సుభద్రాదేవి అర్జునుని భార్య, ఆవిడ వీళ్ళు అడవిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ శ్రీమంతం జరిగిన తర్వాత తల్లిగా అన్నకు అడుగుతుంది శ్రీకృష్ణుడికి, అన్న పద్మవ్యూహం అంటే ఏంటి అని. ఈ వ్యూహాలు ఏంటి అంటే యుద్ధ రంగంలో సైన్యాన్ని ఒక్కొక్క వ్యూహంలో అంటే రచన చేస్తూ ఉంటారు, ఏ రూపంలో ఏ ఆకారంలో సైన్యం ఆగాలని. ఆ సందర్భంలో ఆవిడ ఏ కోరిక పోతుందో తెలియదని పద్మవ్యూహం గురించి చెప్పారండి. అలా చెప్తూ ఉంటారు. చెప్తూ ఉన్న సమయంలో ఆమె వింటూ పడుకుంటుంది. పడుకోగానే మళ్ళీ ఊ పట్టే శబ్దం వస్తుంది. ఎవరు ఊ అంటున్నారు? లోపల్లో ఉన్నటువంటి బిడ్డ. అందుకే ఆయన మహాకృక్షత్ర యుద్ధంలో మహాభారత యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు పద్మవ్యూహం గురించి తెలిసింది ఏకైక వ్యక్తి అర్జునుడు. ఆ సందర్భంలో ఒంటరిగా పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్ళాడు మన అభిమన్యుడు. ఆయనకు వెళ్లే వరకే తెలుసు, తిరిగి రావడం తెలియదు. అంటే మనకు ఏ భాషనైనా కూడా, ఏ కథలో అయినా కూడా, ఏదైనా మన మాతృభాష ద్వారానే ప్రధానంగా అవుతుంది. ఎందుకంటే మాతృభాష గొప్పతనం ఏంటి అంటే మన ఉనికి యొక్క, మన ఉనికిని తెలిపేదే మన భాష. ఎలాగా అమ్మ మన ఉగ్గు పాలతో ఏ విధంగా అయితే ఉగ్గును మనం పెంచుతుందో దానితో పాటు కూడా మన భాష పెరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందు మన భాష నేర్చుకోండి. నేను చాలా మంది చూస్తున్నాను అన్ని తప్పులే రాస్తారు తెలుగు భాష కూడా. ఎందుకంటే మొదటి వరకు నేను డిగ్రీకి వచ్చినా కూడా కొంచెం అమ్మాలు నేర్పించేదాన్ని. ఈ మధ్య పిల్లలు కూడా చాలా ఫ్యాషనబుల్ అయ్యింది, అది మానేస్తారు. కాబట్టి మీరు ముందుగా భాష పైన పైకి సాధించండి. సిపి బ్రౌన్ ఈరోజు చెప్పాను వీళ్ళకి, ఎందుకంటే ఆయన ఆంగ్లేయులు, తెలుగు సాహిత్యాన్ని పరిరక్షించిన వాడు, తెలుగు భాష నేర్చుకొని అనేక తర్జుమా చేశారు. ఈరోజు భారతరత్న ప్రకటించబడినటువంటి పివి నరసింహారావు 14 భాషలు. కాబట్టి మీరు ఒక భాష నేర్చుకున్నా పక్కా నేర్చుకోమని ఈ సంభావంగా తెలుపుతూ ఈ అవకాశం అందించారు. हमारी मादरी जुबान उर्दू है, ये बड़ी जुबान प्यारी है, हिंदुस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में बोली और समझी जाती है। ये बात हिंदुस्तान में फिरके परस्तियों के इसके खिलाफ मुद्दा है। محافظ بنا رکھا اردو زبان کو دباؤ و برباد کرنے کی ہم کی جدوجہد کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے زبان کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ دین اسلام کا اہم سرمایہ آج اردو زبان میں منتقل ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا بچہ اردو نہیں جانتا تو سمجھ لیجیے اس کا دین و مذہب تباہ و برباد ہو گیا ہے، اس کی رابیت خراب ہو گئی ہے اور اس کی تمام ذمہ داری والدین آیت ہوتی ہے جنہوں نے اپنی زبان چھوڑ کر دوسری زبانوں کو پڑھایا اور سکھایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسری زبانیں سیکھی نہ جائے اور نہ تو اسلام اس پر کوئی
पहरा बिठाया है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि पहले लड़के लड़कियों को अरबी और उर्दू सिखाओ पढ़ाओ ताकि वो मजहब के मामले में पक्का हो जाए और उसके बाद दूसरी जुबाने सिखाई और पढ़ाई जाए। और नर वो नाजुक शाखे मानी सिखाती है, इसे आप जिस तरह चाहे मोड़ दे, बचपन में वजूहत इसके जहन में बैठ जाती है क्यों मरते दम तक भी नहीं निकलती, चाहे इसको कैसे खतरनाक लोगों से डांट में किया जाए। इसलिए इस्लाम के सरबराह का कहना है कि लड़के को पहले मजहबी माहौल में परवान चढ़ाओ, इस्लामी रंग में रंग तो ताकि दूसरा कोई रंग में इसमें चढ़ ना पाए। हिंदुस्तान की सरजमीन उर्दू जुबान को जो दर्द हो रही है इसको देखकर बड़ा दुख होता है और रोना हम इस बात पर आता है कि खुद मुसलमान ही अपने बच्चों को गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। बहुत से मुकामात पर खुद को सीखा कि मुसलमान के छोटे लड़के और लड़कियाँ उर्दू अरबी तालीम के बजाय दूसरी जुबानें सीख रहे हैं और अरबी का लफ्ज नहीं जानते। उसने पर बताया कि हमारे स्कूल में नहीं पढ़े, इज्जत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी, करो माँ बाप की खिदमत तो जन्नत भी मिलेगी। इस तरह राजे मोहब्बत को आम करते हैं, गरीब अदमी उसको सलाम करते हैं, नजर हिस्से मिलाम निकाय ना खातिले आम करते हैं। The same thing is being repeated now in many so-called corporate and high-profile schools. They say that mother tongue is not allowed. Means the people who respect and who speak mother tongues are considered equal to animals nowadays. And they think it as a progressive step. But according to even psychology, say there are two important subjects when it comes to language. One is psychology, another one is linguistics. Both become psycholinguistics. According to psycholinguistics, there is a hypothetical device in human brain that is called LAD. LAD means language acquisition device. Until unless that LAD becomes active in you, you cannot learn any language, even it is mother tongue. To make that LAD robust, you have to use your mother tongue. You have to speak in mother tongue.
you have to converse in mother tongue. Then only that LAD in human brain will become active. LAD is not present in animals. LAD is present in human being. If you teach any language, for example, if I teach you Japanese language for 2 months, you start to speak Japanese language. But if I teach Japanese language to a billi or kutta, after even 2 years, they don't speak Japanese language, they say bow bow meow meow. Even they are from Jahirabad. So the difference is, they don't have LAD and we have LAD. That is the fundamental difference when it comes to language between the animals and the human beings. But with the excessive love on foreign language, we are ignoring the scientific fact of influence of mother tongue. And we are giving importance, undue importance to foreign language. The procedure is, language cannot be learned, language can only be acquired. Acquired means natural process. Natural process will become possible when LAD becomes active. And the only the way to make it active, you have to use your mother tongue proportionately. That's why people support bilingual method when it comes to classroom teaching. Bilingual method means you have to be eligible. If, for example, I am from English medium. So, for example, I am from English medium. I am teaching to Urdu medium students. I should have the capability to teach them in English as well as in their mother tongue. Then only I can do justice, 100% justice to the students. If I don't know the mother tongue of the students, it is my primary responsibility to learn their mother tongue. So, language process, language operation is a two-way process, not a one-way process. So, it is scientifically proven fact, my dear students, unless you become an expert in your own mother tongue, you cannot acquire skills in second language. It is not possible. Even if you study for, how many years you can study, it is not possible. So, it is a wonderful time and occasion to think over that important fact. So, do not ignore mother and mother tongue. Thank you. जब डॉक्टर टेस्ट करें
तो वो बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेप्ट कर सकता, अदर लैंग्वेज में बात बच्चा नहीं कर सकता। तो वो एक बच्चा उनके फैमिली में घर में इंग्लिश बोलचाल उसको कर सकते हैं, अदर लैंग्वेज में बच्चे को बात नहीं करवा सकते, डॉक्टर से कोई बटन नहीं दिए। अब दूसरी मिसाल मेरे घर की मिसाल है, मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, गुजिश्ता एक महीना डेढ़ महीना खरीद मेरे पास थी, तो उसके बच्चे का बॉर्न हुआ सऊदी में, सऊदी में कम वक्त रहे, आए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया आने के बाद से वो बच्चा, हालांकि उसकी मदर टंग उर्दू है, घर में माँ बाप उर्दू बोलते हैं, उर्दू इंग्लिश बहुत बोलते हैं, उससे दो साल बड़ा वाला लड़का उर्दू इंग्लिश दो समझता है, ये दो छोटा है, ऐसा लगता है हमजा इधर आओ बोलते हम दीवारों को बोल रहे हैं। अगर हम उसको बोले हमजा कम यार, हमजा देख लो चॉकलेट दे निकल लीजिए, तो इस पर बड़ा ताजुब होता है कि जब वो इंग्लिश में तो सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में बात, अगर कुछ बोले दोनों को हम दो तरफ खाना खिला रहे समझो, ये इंग्लिश उर्दू दो समझता है बड़ा वाला, जल्दी खाओ, अगर उसको बोले बेटा जल्दी खाओ कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं, हम दीवारें लिखते हैं, अगर हम उसको बोले हमार हमजा टेक टू फास्ट बोले तो इतना ऐसे सेंटेंसेस बोलता है, लेट मी टू फिनिश बोलता है, ब्रेड एलास पता नहीं कहाँ से बोलता है। देख एक ही घर के दो बच्चे है, एक इंग्लिश उर्दू समझता है, ये ऑस्ट्रेलिया आने के बाद स्कूल का माहौल पता नहीं, उर्दू बिल्कुल नहीं समझता, बुलाओ उसको गालियां दियो कुछ भी करो, इंग्लिश में वाला जल्दी से रेस्पॉन्स देता है। तो ये अक्सर पता नहीं सर जो बोले उससे भी रिलेटेड है ये बातें, और मैडम को भी एक बार मदर टंग के बारे में बात करते हुए चलो मैं, देखिए मैं इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश मानते हैं, तरक्की के लिए डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल और आगे जाने के लिए इंग्लिश को बोलते हैं, लेकिन दुनिया में दो तीन कंट्रीज कुछ ऐसे हैं, आप जापान को देखिए, जापान और चाइना ये दो ऐसे कंट्रीज है, ये दोनों कंट्रीज खुद अपनी जुबान में ये लोग तरक्की कर रहे हैं, आप समझते आगे जाने के लिए कम्युनिकेशन के लिए ग्लोबल मूवमेंट्स के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम चाहते हैं ठीक है इंग्लिश की जरूरत है, लेकिन ये दो कंट्रीज ऐसे हैं खासकर जो मुशाहदे में आए हैं, आप देखिएगा अगर चाइना के आइटम पे मेड इन चाइना लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में कब रहेगा, पूरा चाइना के लैंग्वेज में रहेगा। जापान में भी सारे लोग के हर डेवलपमेंट उनकी अपनी जाती जुबान में होती है। और तीसरी बात मदर टंग वो होती है जो चीज को बच्चा आसानी से जिस तरह भी बताए आसानी से कैच करता है समझ सकता है। ठीक है आपकी मादरी जबान आप जिस गोद से निकले हैं आइदर उर्दू हो या तेलुगु हो, लेकिन आप कल जाके आप इंग्लिश मीडियम में किसी और मीडियम में एडमिशन लिए हैं, लेकिन आपको कोई सेंटेंस समझना है या उसको आपको स्पेल करना है या बोलना है वो सेंटेंस को, तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, वो सेंटेंस को मदर टंग में समझना पड़ता है, देन यू आर कन्वर्टिंग द सेंटेंस इन इट्स लैंग्वेज यू वांट टू एक्सप्लेन, आप उसके बाद मेंटली पहले एक्सेप्ट करते हैं अपनी जाती जुबान में मदर जुबान में, उसके बाद आप जो लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज वो लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके आप बोलते हैं। तो बोलने का मकसद मेरा ये है कि मदर टंग से भी आप तरक्की करके आगे जा सकते हैं, और जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज माना गया है ये भी हमारे लिए जरूरी है, तो आज के इस दौर में आपको डायनामिक होते हुए एज वेल एज आपके मदर टंग के इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी साथ लेते हुए आगे करेंगे इंशाल्लाह मौका दिए जाने के लिए। तो मैडम मुझे बतानी बात है कि आदमी सत्य पर मादरी जबान की अहमियत है, आप जितने भी नौकरी का इस मुहिंदा से देखिए आप नौकरी नाम याद कर लो, सब लोग अपनी अपनी सवालों में दाखिल किए रिसर्च किए और उन्होंने नौकरी नाम हासिल किया, ऐसा नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने इंग्लिश में नहीं रिसर्च किया, ऐसा नहीं है कि उनकी मादरी जबान में ही उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने नौकरी नाम हासिल किया। तो इंग्लिश भी जरूरी है, हमको सीखना चाहिए, बल्कि हर लैंग्वेज हर जबान को सीखना चाहिए, जितने ज्यादा जबानें हम पाएंगे ना हमारे लिए फायदेमंद, लेकिन हमको अपनी मादरी जबान पर भी उम्र हासिल करना जरूरी है, और उस हम ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि इससे हम तरक्की नहीं कर सकते, तरक्की के लिए अलग अलग बहुत सारे मौके हैं, किस में हम माहिर हैं किस तरह हमको तरक्की हासिल करना चाहिए वो अलग चीज़ है। ठीक है जजाकला मैडम, और मैं आपको हमारे कॉलेज के मोहरिक प्रिंसिपल साहब हरिक प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूक साहब को मैं दावा देती हूँ उसने फैला दिया। आप सभी को आज का दिन आलमी यौमे मातृ ज़बान मुबारकबाद, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कंग्रेचुलेशन।
अंतर्जातीय मातृभाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षा। देखिए कि आज का जो लेक्चर हम सुने हैं यहाँ पर साइंस मैडम और इंग्लिश के जो लेक्चर हैं और बीएससी बीए बीकॉम के स्टूडेंट मिलकर बैठे हैं, इस तरह के प्रोग्रामों से आपको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज मिल रही है कभी कभी क्लासरूम में नहीं मिलती। ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए हैं। जब कभी भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, जब कभी भी आपको बोलने के लिए बुलाया जाएगा, तो इस तरह के प्रोग्रामों की जो नॉलेज है आपको बेनिफिट देगी। देखो आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मना रहे हैं, आज हमारे पास डॉक्टर राबिया मैडम साइंटिफिक तरीके से एक नई बात जो बहुत सारे लोग अभी तक नहीं सुने थे, इंग्लिश के लेक्चरर साहब हैं सर, वो भी एक नई बात। ये जो प्रोग्राम है आपकी नॉलेज में इजाफे का बास बनते हैं। तो थोड़ा सा ये चूंकि लैंग्वेज हम सब की जिंदगी का हिस्सा है, लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ अवर लाइफ, इसको हम थोड़ा सा अहमियत दे के सुनना है कि मैं अब क्या बोलने जा रहा। तो एक बेसिक बात जो हम आप सब जानते हैं लेकिन जब क्वेश्चन करें तो नहीं बोलते, व्हाट इज लैंग्वेज। बुनियादी बात यही कि जबान का मतलब क्या है, फिर सुन लीजिए आंसर इसका, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। ये जो हमारा दिमाग है, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथ लगा के टच करते हैं, नाक से सूंघते हैं, ये जो हमारे हवास है जिसके जरिए जो हमारी इंफॉर्मेशन दिमाग में जाता है, दिल से बात आती है तो हम उसको अपनी मादरी जबान में बयान करते हैं। बात करना बहुत जरूरी है, अगर बात नहीं करेंगे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। अब आप शॉपिंग को जा रहे कपड़े की दुकान में, खामोश बैठ गए तो काम नहीं बने। होटल को जा रहे कुछ खरीदना है, वहां भी खामोश बैठे तो काम नहीं चले, कुछ ना कुछ बोलना है। लैंग्वेज की कई किस्में हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं इसको तकरीर कहते हैं, बोलना। हर बच्चा जो है बोलना सीखता है, समझ में। मैडम तो बोले कि पैदा होने से पहले वो सुन रहा है, बोल रहा है, रिएक्शन करता। तो एक चीज बोलना है, दूसरी चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है तहरीर राइटिंग, ये भी लैंग्वेज की एक किस्म है, पॉपुलर, बोलते हैं लिखते हैं। इसके अलावा कुछ सिग्नल होते हैं, ग्रीन सिग्नल है, रेड सिग्नल है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में आपके जो है क्या कहते हैं साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इसके जरिए भी कम्युनिकेशन होता है। जो लोग देख नहीं सकते वो टच करके जो है पढ़ते हैं ब्रेल लैंग्वेज को। ये सारे जो एग्जाम्पल लैंग्वेज है ये सब जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा। बोलना क्यों जरूरी है, अभी बोलना कि बोलने से जिंदगी का काम आगे बढ़ता है, नहीं बोलेंगे तो नहीं चलता। तो एक बुनियादी बात समझ में आई कि मदर टंग जो होती है ये हम घर से सीख किया, ऐसी जबान जो बच्चा अपने माँ की गोद से घर से सीखता है उसे मदर टंग कहते हैं। लैंग्वेज के एक्सपर्ट ने कहा कि बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मदर टंग में होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें भी इंकरेजमेंट किया गया है कि इब्तदाई तालीम मदर टंग में होना चाहिए। अब हमारे पास क्या हो रहा है, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, ए फॉर एप्पल बोले और जो है ई फॉर एग बोले, एग जो है इंग्लिश में एग बोलते, उर्दू में अंडा बोलते, तेलुगु में गुड्डू बोलते। अब यही जब इसकी पूरी सलाहियत लैंग्वेज को क्या बोलते हैं गुजर जाए, ना साइंस पढ़ रहा ना सोशल पढ़। चाइना के बच्चे अपनी चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ते, जापान के बच्चे जापानीज लैंग्वेज में। आगे चल के इंटरनेशनल लैंग्वेज की जरूरत है। हम तेलंगाना में रहे तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज सिस्टम है, हम आप मदर टंग में तेलुगु या उर्दू में पढ़ते, फिर इंग्लिश क्या है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके अलावा स्टेट की एक लैंग्वेज है तेलुगु। ये जबानों पे उभर रखने के लिए आपको जबान के जो सोर्सेस है उसका इस्तेमाल करना है। बुनियादी बात सुन लीजिए, अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है, यू शुड बी ए गुड लिसनर टू बी ए गुड स्पीकर। तो आपको इस तरह के प्रोग्रामों में गौर से बात को सुनना है, तलफ्फुज़ सही अदा होना जरूरी है। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, टीचर गलत पढ़ाए आप पढ़ लिए गलत, फिर आप टीचर बने अगले बच्चे को गलत पढ़ाए। नेचर NATURE है, नेचर बोलते हैं टीचर क्या बोले नटूरे बच्चे, फिर उन्होंने हेडमास्टर के पास गए ये बच्चे का नटूरे खराब है, तो हेडमास्टर क्या बोले मैडम क्या बोले बच्चे को स्कूल से निकाल दो, तो सर क्या बोले बच्चे का फुटूरे खराब हो जाए। तो ये क्या है एजुकेशन सिस्टम में प्रोनाउंसिएशन अगर गलत सीख लिए तो आप जिंदगी आपकी बच्चों की जिंदगी खराब कर देते। टीचर्स की जिम्मेदारी है खासतौर से लैंग्वेज टीचर की बच्चों को शुरू में सही प्रोनाउंसिएशन बताए,
सही प्रोनाउंसिएशन कौन डिसाइड करे? हमारे जमाने के जो राइटर्स होते हैं, हमारे जमाने के जो पोएट होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, वो लफ्ज को कैसे बोलते हैं उसको सही प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। अब आपके हाथ में स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन के में बहुत सारे ऐप हैं, गूगल में भी आप तो बोले तो वहां से रिप्लाई आता है। बहुत सारे ऐप है, रेख्ता वेबसाइट है उर्दू वालों के लिए, वहां पर आप कोई भी गजल पढ़ रहे एक लफ्ज पे क्लिक करें तो उसके मीनिंग हिंदी तेलुगू में आते और उसका प्रोनाउंसिएशन भी आता। इसके अलावा आप जो लोगत है, डिक्शनरी है, उसके अंदर भी जेर जबर पेश के साथ लफ्ज के सही तलफ्फुज आता है। तो कम्युनिकेशन स्किल की क्यों जरूरत है? आज आप मार्केट में जा रहे हैं, बीएससी के बच्चे हैं, बीकॉम के बच्चे हैं और आप भी हैं, तो अच्छा बोलने वालों को भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। दवा खाने में क्या है, आप दाखिल होते ही काउंटर पे मैडम बैठे हुए क्या बोलते हैं रिसेप्शनिस्ट को क्या है, अच्छा बोलने आना जरूरी है। एयर होस्टेस भी होती है, वो तो खूबसूरत होती है लेकिन बोलती भी अच्छा है, यू आर अटेंशन प्लीज। अच्छा बोलने वालों को नौकरी मिलती है। इसके अलावा मीडिया में आप बोलना नहीं सीख रहे, न्यूज पढ़ना नहीं आता, लेकिन आपका पेन पावर अच्छा है, आप लिख सकते हैं, तो आप लिखिए और उस अपने राइटिंग को छपवाइए, उससे भी पैसे कमा सकते। देखो आजकल क्या है, मशीन ट्रांसलेशन का दौर है। अभी एग्जाम्पल मैडम बताया कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखे, मैडम को तेलुगु टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पर, तो उसको कॉपी करे, गूगल में गए, इधर इंग्लिश में पेस्ट करे, तेलुगु में आ। तो आप कोई स्टोरी लिखकर, कोई आर्टिकल लिखकर उसको दुनिया की सभी जबानों में ट्रांसलेट करके दुनिया तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यू आर द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदराबाद, आप लैंग्वेज में परफेक्शन लाइए, इससे भी आपको जॉब मिलेगा। लैंग्वेज में देखो बोलने के अलावा टाइप करना भी है, तो आप टाइपिंग सीखिए, उर्दू टाइपिंग सीखिए, इंग्लिश टाइपिंग सीखिए, और डीटीपी का जो आजकल ऑप्शन है, फ्लेक्स बना रहे लोग आजकल, इससे भी पैसे कमा सकते हैं। खाली टाइप करके भी पैसे कमा सकते हैं, ट्रांसलेशन करके भी पैसे कमा सकते हैं। देखिए हम लोग जो है आपको जो बातें बोल रहे हैं प्रैक्टिकल करके बता रहे। डॉक्टर नरहरि मोदी साहब के लिए क्लैप मारिए। सर जो है तेलंगाना उर्दू अकेडमी का ऑनलाइन उर्दू लर्निंग कोर्स 300 रुपए पे करके ज्वाइन करें, विद इन 24 आवर पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, एग्जाम लिखे और पास होकर सर्टिफिकेट आ गया सर। एक लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज भी सीखना हमारी जिम्मेदारी है, जैसे कहा कि नरसिम्हा राव 14 जो है लैंग्वेज सिखाए थे, और एक बार शकुंतला मैडम जो स्पीच में बोले कि ये जो दिन मनाया जा रहा है, इस दिन बांग्लादेश में कुछ बच्चे अपनी जबान की हिफाजत के लिए पुलिस की गोली का शिकार मर गए थे, जबान के लिए, तो जबान के लिए जान दिए, तो उनके दिन को आज इंटरनेशनल डे बना दिए। आज के दिन आपको डीडीसी हैदराबाद से यही मैसेज है कि आप अपने आप लिखने पढ़ने में परफेक्शन लाइए। अभी भी बहुत से बच्चों को टॉपिक देके यहाँ खड़ा करो तो बोल नहीं सकते, रीजन क्या है कि उनके अंदर थिंकिंग पावर नहीं है। तो आप अपने मदर टंग में सोचिए, मदर टंग में लिखिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए। तो ये हमारे कॉलेज में हम जैसे सहूलत बोल रहे हैं आपको कि आप आर्टिकल्स लिखिए उसको। अभी मैं एक जूलॉजी की मीटिंग में गया था डिपार्टमेंट में बॉटनी के, तो वहां पर हम बोले कि बच्चों को आपका असाइनमेंट भी टाइप में होना चाहिए, आप वर्ड फाइल में टाइप करना, उसको टाइप करके असाइनमेंट देना। टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा तो वॉइस टाइपिंग भी है, जैसे गूगल में बोले तो आवाज टाइप हो जाता है, ऐसे ही गूगल डॉक्यूमेंट में आप बोलते गए तो पूरा आर्टिकल टाइप, तो लिखने का है तो आप अपना असाइनमेंट टाइप करके दीजिए सॉफ्ट कॉपी में। इसके अलावा आप स्टूडेंट सेमिनार दे रहे हैं तो पीपीटी बनाइए उर्दू में, तेलुगु में, इंग्लिश में, और पीपीटी की हेल्प की मदद से आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। तो आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के दिन आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि इंसान की जिंदगी में लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये मत सोचिए कि देखो आयशा मैडम उर्दू पढ़ के नौकरी लिए, मैं भी उर्दू पढ़ के आया, ये सब लेक्चरर भी अपनी जबान में पढ़ के आए, तो लैंग्वेज के जरिए भी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप लोग भी लैंग्वेज सीखिए, एक्सपर्टाइज कीजिए, परफेक्शन लाइए, तो दुनिया में आपकी डिमांड हो। तो आज के दिन आपको यही मैसेज है कि लैंग्वेज को अहमियत देना जरूरी है। सिर्फ ये लैंग्वेज ही उनके पास छोड़ दी, कुछ बच्चे तेलुगु में फेल हो रहे, उर्दू में फेल हो रहे, बहुत बुरी बात है। हम जो जबान में बोलते हैं उस पर आप एग्जाम नहीं लिख सकते, 100% रिजल्ट होना चाहिए। तो ये लैंग्वेज डिपार्टमेंट को मुबारकबाद, और सभी लेक्चरर जो आज पार्टिसिपेट हुए, स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए, आप लोग जो है आर्टिकल लिखिए। जैसे एक मैडम नहीं है यहाँ पर, मेरी बायोग्राफी का पीडीएफ दिया था,
उसको इंग्लिश में भी आ रहा है तो बच्चे पढ़ के उसके बारे में तबसरा लिखे तो हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम में वो पूरे बच्चों को बिठा के वो तबसरे सुनेंगे और जो तबसरे लिखे हैं उनको कैश प्राइज भी देंगे। उसका मकसद क्या है कि आपके अंदर राइटिंग हैबिट आना चाहिए। देखो आज अभी मैं थोड़ी देर पहले फोटो डाला फेसबुक पे कि तेलंगाना उर्दू अकेडमी का एक मैगजीन निकलता है कौमी सभा, इस महीने के मैगजीन में मेरा एक आर्टिकल छपा है और वो बुक के ऊपर अलाहाबाद की एक स्टूडेंट फौजिया उन्होंने मेरी बुक के ऊपर तबसरा लिखा था, तबसरा भी छपा। तो आज इंटरनेट पर देख सकते हैं, तो आप लोग वो बुक पढ़िए और उसको जो है एक्सप्रेशन कीजिए तो हम अगला प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू आयशा मैडम, शकुंतला मैडम, और इस तरह का प्रोग्राम जब भी हो आप 100% पार्टिसिपेट होइए और अपना परफॉर्मेंस दीजिए। शुक्रिया। आप यहाँ पे आज क्यों जमा हुए हैं, इसका मकसद क्या है? अभी आप तमाम लोगों से सुन चुके हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुनने के बाद समझना है और उस पर अमल करना है। जैसा कि तमाम मुखरिर अपने ख्याल का इजहार किया है, यानी कि इसमें चंद चीज़ें ऐसी है तो वो चीज़ अगर हम अपनाएंगे तो हम सारे जबान पे उबूर हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का प्रोग्राम है तो बहुत कामयाब रहा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे जो उस्ताद मोहतरम प्रिंसिपल साहब डॉक्टर फरुख साहब है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम करने के लिए इजाज़त दी और अपना कीमती वक्त दिया। और इसके बाद मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश धर्मोटी साहब का और शकुंतला मैडम का जो कि तेलुगु डिपार्टमेंट का रेशा मैडम और तमाम अस्तादा का और तमाम तलबा तालिबात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी यहाँ पे मतलब ये वक्त अभी लंच का है बड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्सुक हो रही आप लोगों में क्योंकि भूख की तपिश आप लोगों में है। तपिश को आप महसूस करते हुए भी यहाँ पे आप बैठे रहें तो आपका भी तमाम का शुक्रिया इसी राशि है। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। हाँ, क्योंकि आफ्टर लंच मेरी क्लास को